अरे अरे, तुम अचानक से कहाँ गए, ये सोच रहे हो? जगह पे आए हो। हम चार दोस्त होली को सेलिब्रेट करने निकले थे मथुरा के लिए। नंदगांव की होली खेल लिए, लठमार होली देख लिए। और सुनो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और हम आ गए फूलों की होली खेलने वृंदावन में। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। और ये देखो अमित का आउटफिट। अमित भाई, आज तो लड़की फंसेगी मेरी भाई। तो भाई चलो चलते हैं विश्राम घाट की तरफ, क्योंकि उस दिन हम विश्राम घाट गए थे लेकिन वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाए थे, लेकिन आज जाएंगे और भाई ब्लॉग भी बनाएंगे, क्योंकि आज जाना है हमको वृंदावन, क्योंकि मैं ड्रोन भूल गया था लाना और ये ड्रोन लेके फिर आया और ये आगे चले गए थे, उनके पास दौड़े दौड़ के आना पड़ा मेरे को। मंकीज का बहुत आतंक है भाई यहाँ पे, ये देखो चारों तरफ। रास्ता का तो कुछ पता नहीं था और हम चले थे चल चल के जाने के लिए, और वो भी किसके सहारे? गूगल बाबा, जो कि वो हमेशा धोखा देते हैं, लेकिन इस बार नहीं 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 धोखा ही नहीं दिए। और ये देखो, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और सामने रहा विश्राम घाट। विश्राम घाट आके ये पता चला यमुना किनारे नाव में बैठने का कुछ अलग ही मजा है। यहाँ टोटल 25 घाट्स हैं, तो ये सब में से हम तो दो तीन घाट पार कर चुके हैं। तो सारे नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि आप आओ यहाँ पे घूमो, उसके बाद आपको भी पता लगेगा कि क्या क्या है बोल के। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग विश्राम घाट में। ये देखो कि यही सबसे फेमस घाट है यहाँ का। श्री कृष्ण जी ने कंस को मार के यहाँ पे विश्राम लिया, इसलिए ये घाट को विश्राम घाट बोला जाता है। ये देखो क्या भव्य मंदिर है भाई। ये सीन देख के मुझे ये लगा कि मैं बनारस में आ गया हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कान्हा की नगरी मथुरा ही है। वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो ये कंस का महल। हाँ ठीक है, श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के लिए यहाँ आए थे। अपने बाद जाना है वृंदावन, क्योंकि आज होली है वृंदावन में, तो इसीलिए यहाँ से जल्दी निकले। और भाई आज द्वारका मंदिर नहीं है, क्योंकि उस दिन गए थे, पूड़ी खाए और लस्सी भी खाए और जल्दी वृंदावन गए। तो चलो मिलते हैं वृंदावन में आपको, क्योंकि यहाँ पे होटल चेंज कर रहे हैं, फिर यहीं पे ही आना है हम लोग को। वृंदावन जाने का कुछ अलग ही प्लान है, क्योंकि वृंदावन में आज हो रहा है फूलों की होली, तो इसीलिए वृंदावन में आपको फूलों की होली दिखाएंगे आज। उस होटल में थोड़ा लफड़ा हो गया क्योंकि सर्विस अच्छा नहीं था उनका, इसी वजह से हमको होटल चेंज करना पड़ा। अपना आउटफिट चेंज हो गया, क्योंकि उधर का कुछ अलग मौसम था, इधर अलग मौसम है, तो इसी वजह से हाँ अपने आउटफिट चेंज कर लिया अपना। भीड़ का तो क्या ही बोलूँ, नंदगांव से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ लग रहा है मेरे को, जहाँ जो लग रहा है भीड़ तो बहुत है भाई, इसके वजह से लोग चलते चलते नहीं गए, और इसलिए यहाँ से बाकी बिहार का टेम्पल जो है वो 3 से 3.5 किलोमीटर है, तो इसलिए हम फिर ऑटो ले लिए और फिर जाएंगे बाकी बिहार टेम्पल में। और हम पहुंच गए थे मंदिर के पास, फिर मैंने कैमरा में जरी लगाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुलाल उड़ता है, तो इसके वजह से मैं पहले वहाँ पे उतर के जरी लगा पहले। भीड़ देख के तो मेरे को चक्कर आ गया पहले, फिर जूता चप्पल रख के और चल दिया मंदिर की तरफ। चल
टेंशन भी लेता है, टेंशन तो लेता है। वीडियो बना रहे हैं बता कि दिल्ली का आज किस कुछ था, दिल्ली का पालगंज का रहने वाला व्यक्ति ऐसे दर्दनाक हत्या करता हुआ पकड़ा गया। उसे यही नहीं पता उन्हें पीछे बैक में कौन ही मारता बाहर निकल गया, जिसमें चार बंदे घायल हो गए। उसे पकड़े हैं, वो मेंटल हो चुका है, दोबारा बुलाया गया है स्टेज के लिए। जय भरनाथ। अरे नहीं नहीं मैं हूँ ना, लेके जाएंगे हाँ, अभी लेके जाएंगे, टेंशन ना मत लो, लेके जाएंगे। संबलपुर ओडिशा से मेरे भाई सारे भैया से गेर कोई अरे अभी एडजस्ट में ही अपने आप हो जाएगा। आप ही लाने होते एक्टर कौन सा कुछ करता, वो भी यही करता है। हम भी भीड़ के सारे चलते गए और पहुंच गए थे मंदिर। मंदिर के अंदर इतना भीड़ था, पैर रखने तक का भी जगह नहीं था। भाई अभी ये तीसरा बार है, मैं पहले गया था, उसके बाद फिर मन नहीं, मतलब मन माना नहीं, तो फिर दूसरे नंबर गया। फिर अमित भाई ने बोला कि फिर मेरे को भी जाना है, तो इसीलिए फिर तीसरा नंबर गया। भाई इधर से लाइन है, मतलब यहाँ से बागी बिहारी टेम्पल जो है मिनिमम एक किलोमीटर तो होगा ही होगा। अभी बाकी बिहारी टेम्पल से तो हम निकल गए, अभी जाएंगे प्रेम मंदिर जो यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर का आसपास है। और भाई मंदिर का दर्शन तो क्या सही से हुआ। यहाँ मंदिर जाना नामुमकिन था, वहाँ हम मंदिर को 3-3 बार जाके आ चुके। और हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर में, लेकिन प्रेम मंदिर इतना भीड़ था तो वहाँ पे वीडियो बनाना भी मुश्किल ही था, इसीलिए हमें वीडियो कुछ लिया ही नहीं और वहाँ से निकलना ही बेहतर था, तो इसीलिए वहाँ से निकल गए। मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में, टाटा बाय बाय एंड टू गाइस।